तो बेटा 11th में जो भी हो जाए साइंस ही लेना है आपको, क्योंकि जो इंसान साइंस नहीं लेता है उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये एक डायलॉग शायद आपने अपने पेरेंट्स से या अपने स्कूल के टीचर्स से या अपने कॉलेज के टीचर्स से, कोचिंग के टीचर्स से या अपने दोस्तों से या कुछ भी हो जाए अपने रिलेटिव से तो ज़रूर सुना हो, है ना। आज मैं ये आपको प्रूव करने वाला हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सिर्फ 5 मिनट का वक्त लूँगा, और इस 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि आपकी जो मैंटेलिटी है, और आप चाहो तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाकर उनका अगर कुछ माइंडसेट है शायद थोड़ा बदल जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली बात, 10th ग्रेड के मार्क्स कहाँ काम आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछा था, सर 10th ग्रेड के मार्क्स कहीं काम आएंगे। तो हाँ बिल्कुल काम आते हैं। 10th ग्रेड के मार्क्स आपकी ज़िंदगी में एज अ बर्थ प्रूफ काम आते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट साथ साथ कोई और प्रूफ चाहिए कि भाई आप पैदा हुए थे, तो 10th ग्रेड है, उसका सर्टिफिकेट है। उसके अलावा 10th ग्रेड का मार्क्स कहीं काम आता है? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी एडटेक इंडस्ट्री, आप जानते हो ना बहुत सारे एडटेक वालों को, हमारे वेदांतों के फाउंडर्स को ले लो, या तो आपके मनपसंद कोई भी यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े लोगों को ले लो, उनसे पूछेगा कि उनके 10th के मार्क्स कहीं काम आए, जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। कितने लोगों से आपने ये बोलते सुना है, यूट्यूब पे जितने भी फाउंडर्स, जितने भी CEOs जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आपके 10th के मार्क्स कितने थे, कभी नहीं पूछा जाता है ना। तो 10th के मार्क्स कहाँ काम आते हैं? सर आपके 10th के बाद 11th में जाने के लिए पासिंग परसेंटेज में काम आते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, सर नहीं सर 10th के परसेंटेज से तो आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन डिसाइड होती है। ये बात आपने दिमाग से निकाल दो। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आपके 10th के परसेंटेज मायने रखते हैं। ये एक स्कूल की बनाई हुई रूल है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल रूल CBSE ने नहीं दिया हुआ है। लेट मी वेरी क्लियर, CBSE का कोई भी रूल या लॉ नहीं है कि भाई सिर्फ 80% या 85% या 90% ज़्यादा बच्चों को ही साइंस ले सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना हुआ है। स्कूल्स अपने पासिंग परसेंटेज और टॉपर्स निकालने का जो परसेंटेज होता है उसमें इंक्लिनेशन लाने के लिए ये रूल लगाते हैं अपने अपने स्कूलों में, और बड़े बड़े स्कूल भी लगाते भी हैं, क्योंकि इतने फीस जो लेते हैं वो, तो उनको टॉपर्स निकालना पड़ता है, वरना अगले साल बच्चे कैसे आएंगे वहाँ पर, है ना। तो ये एग्जैक्ट सेम है। अब बात वही है कि क्या इससे आपकी क्षमता, आपका जो कैलिबर है, जो आप 11th और 12th में फोर्थ करते हो, वो जो टैलेंट है, क्या ये बात मेशर होती है 10th के मार्क्स से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जो 10th ग्रेड में मार्क्स कम लाकर 11th 12th में फोड़ चुके हैं, JEE नीट में फोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता था कि भाई एग्जैक्टली 11th 12th में करना क्या होता है, उन्होंने वो स्किल डेवलप करी, ठीक है। तो हाँ भाई, अगर आपका जो स्कूल है वो आपके कम परसेंटेज की वजह से आपको नहीं दे रहा है स्ट्रीम सिलेक्शन, तो भाई स्कूल चेंज कर दो। क्यों? स्कूल आपके पापा मम्मी का था, आपने स्कूल आपके विरासत में लिए नहीं है ना, तो स्कूल बदलो, क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्त इंपॉर्टेंट है, तो भाई दोस्त आपके स्कूल बदलने के बाद भी वही दोस्त रहेंगे, नए दोस्त बनेंगे क्या? वो दोस्त अगर रहने हैं तो रहेंगे ज़रूर, तो वो सब सोचे बिना सीधा स्कूल बदलो, उस स्कूल में जाओ जहाँ पर आपको विद्या मिल सकती है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर कोई लोकल स्कूल में चलेंगे तो क्या होगा, तो भाई साहब आप पढ़ाई तो वैसे भी स्कूल में थोड़ी ना करते हो, आप तो बाहर ही करते हो ना, है कि नहीं? हमेशा तो यही बोलते हो सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए कोचिंग जाते हो, अब वो आर्ग्यूमेंट कहाँ गया? तो अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो पढ़ कर रहेगा, उसको स्कूल या स्ट्रीम या ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दे पे वापस आते हैं, तो 10th के मार्क्स कहाँ काम आते हैं? स्ट्रीम सिलेक्शन में भी नहीं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब वैसे ही मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई आपका साइंस स्ट्रीम लेकर आपको क्या फ़ायदा है? एक बच्चा अगर बचपन से ये सोचता है कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बननी है, अगर उसको इंटरेस्ट है, उसको इंजीनियर बनने में, उसको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, तो फिर 11th एंड 12th में उस बच्चे को साइंस लेना चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, उनका पैशन था। बट अगर आपका पैशन कुछ और है और आपको ये बताया जा रहा है कि यार नहीं, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको साइंस ही लेकर आगे बढ़ना है, तो वो बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल आप लिख कर ले लो, जिस बच्चे का पैशन साइंस नहीं है वो 11th एंड 12th में अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर वो बच्चा बहुत ब्राइट है, बहुत टॉप है, तो वो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर लेगा 6 मार्क्स, लेकिन वो बंदा 100 out of 100 लाकर भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, JEE में टॉप करके, नीट में टॉप करके, वो बंदा खुश नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे को पता है ये मेरा पैशन नहीं था, ये मेरा सपना नहीं था। तो बेटा अगर आपका पैशन नहीं है साइंस रिलेटेड, तो मत लो आप, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप कॉलेज में जाकर अपना स्ट्रीम बदलोगे तब आप लड़ोगे, आपके 12th के एग्जामिनेशन के बाद आप बोलोगे पापा भी बस हो गया यार, अब मैं और साइंस नहीं कर सकता, मेरे को कुछ और करना है।
मैं ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जो 11th एंड 12th करने के बाद उनको लॉ करनी थी, लॉ करनी थी तो वो आर्ट्स ले लेते तो उनको काफ़ी अच्छा मिलता, लेकिन नहीं कर पाए वो। फिर साइंस लेने के बाद उन्होंने लॉ करी, और लॉ करने के बाद लोग क्या करते हैं, IAS करते हैं। तो साइंस क्यों पढ़ी? फ्यूचर सिक्योर कहाँ हुआ आपका? यही बोलते हैं ना लोग कि भाई 11th एंड 12th साइंस करो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पर फ्यूचर सिक्योर कहाँ हुआ? उल्टा आपका 2 साल का घाटा हो गया। 2 साल में अगर ह्यूमैनिटीज़ लेकर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो फिर आपके UPSC में या तो फिर आपके लॉ में ज़्यादा मिलता आपको बेनिफिट, है कि नहीं? तो घाटा हुआ ना आपका, दैट इज़ द पॉइंट गाइस। तो बाद में जाके अपने माँ पापा को कोसने के बदले आप अभी उनसे बैठ कर बात करिए, या तो अभी इस वीडियो को उनको दिखाइए और कहिए उनसे कि भाई साहब देखो बहुत बहुत सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो तो मुझे वो करने दो जो मेरा पैशन है। या तो फिर क्या होगा, आप अब नहीं लड़ रहे हो, 11th 12th के बाद लड़ोगे, क्यों? तब हिम्मत आएगी, आज हिम्मत नहीं है 2 साल हिम्मत बटोरोगे क्या? ज़माना बदल रहा है, और ज़माना जब बदलता है तो जहाँ पर सारे झुंड में जाते हैं वो इंसान नहीं भेड़ बकरियाँ होते हैं। अगर आप भी अपने आप को एक भेड़ या बकरी समझते हो तो जाइए झुंड के साथ, लेकिन इतना याद रखना कि भाई जितना ही बड़ा झुंड हो, जितना ही बड़ा जंगल हो, उस जंगल में शेर एक ही होता है या शेरनी एक ही होती है। तो आप फैसला करो कि आपको उस जंगल का शेर बनना है या भेड़ बकरी। अपना कुछ करना है, अपना पैशन फॉलो करना है कि दूसरों का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, विल सब्सक्राइब टू द चैनल, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाना।